निराश्रित गोवंशों के संरक्षण और रख रखाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बरसात के मौसम में लगातार हो रही गायों की मौतों पर जवाबदेही तय करने की बात कही। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, प्रभारी जिलाधिकारी CDO अनुज सिंह, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निराश्रित गोवंशियों के लिए बनाए गए गौशाला को सक्रिय किया जाए। सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशु कानून व्यवस्था के लिए घातक हो सकते हैं। CM योगी ने कहा कि इन दिनों लगभग एक सप्ताह में लगातार खबर मिल रही है कि गायें मर रही हैं, जो काफी संवेदनशील मुद्दा है। CM ने कहा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी DM अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार ने निराश्रित गोवंशियों के संरक्षण के लिए काफी धनराशि अवमुक्त किया है। निराश्रित गोवंशों के लिए गौ आश्रय स्थल बनाने के बारे में, उनके संचालन और पहले से चल रही गौशालाओं, कांजी हाउस, पेंजरापोल आदि के सफल संचालन के बारे में मैं गणपत स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी किया हूं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मैंने आप सबका ध्यान घर आकर्षित किया था कि ये समाज की ज्वलंत समस्या है और न केवल समाज की ज्वलंत समस्या भी तो एक संवेदनशील मुद्दा भी है। कानून व्यवस्था के सामने ये एक गंभीर संकट भी खड़ा करता है। इन सब को ध्यान में रखकर के सरकार ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि नगरीय क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी गौआश्रय स्थल बनाने, पिंजड़ापुर गौशालाओं और कांजी हाउस को सनाने के लिए पूर्व में निर्गत किए हैं। मुझे देख के आश्चर्य होता है कि बार बार ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद विगत एक सप्ताह से विभिन्न जनपदों से समाचार मिल रहे हैं कि बरसात में गायें मर गई हैं, गोवंश की क्षति हुई है। ये बहुत खेदजनक स्थिति है कि बार बार इधर कहे जाने के बावजूद भी जिलाधिकारियों ने वहां भ्रमण नहीं किया और या फिर किसानों के खेतों में छोड़ देते हैं। ये कहीं भी किसी भी स्तर पर ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया जनपद स्तर के अधिकारियों का हो चुका है। और इसलिए मैंने AVC आज इसी बात को लेकर के बुलाई है, जवाबदेही तय करने के लिए बुलाई है।